सिमरो सिमन सिमन सुख पाओ, सिमरो प्राण छोड़ने से पहले स्मरण कर लो क्या ये सुख हमको प्राण छोड़ने से पहले मिल जाए, ये मिल जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राण छोड़ने से पहले ये सुख मिलना चाहिए। परिवार का संसार का सुधार का जो जो डिग्री जो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज एंड ऑफ चैप्टर, ये सुख मिलना चाहिए। ऐसे ही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सिमरो सिमर, मैंने सिमरो कहा कीर्तन करो नाम स्मरण को जप करो जो भी सिमरो फिर सिमर। सिमर सिमर फिर दोबारा सुमर कहते हैं कि मरने से पहले पहले मतलब सही छोड़ने से पहले, मरना का मतलब वो नहीं, मरना का अर्थ शरीर छोड़ने से पहले आत्मा पहले पहले सिमरो सिमर सिमर तीन बार फिर का सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, वही सुख है और कोई सुख नहीं का गुरु नानक देव जी हमारा अनुभव कह रहे हैं अपना सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। कली कलेश मन कली कलेश का अर्थ तात्पर्य इसीलिए उस बात को श्रीमद भागवत का लिखते हैं श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन नाम स्मर्तव्यो स्मर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो राजा परीक्षित को सावधान करते हैं राजन तुम्हारे जीवन का आज तुम्हारे जीवन का एक दिन कम हो गया क्या अब 6 दिन रह गए विलेट यू अलेट डॉक्टर जिसको कह दिया ना 5-7 दिन निकालेगा बोलो हरि बोल खाना पीना अच्छा लगेगा उसको बोलो हरि बोल बंगला छोड़ जाऊंगा पत्नी छोड़ जाऊंगा बेटा छोड़ जाऊंगा डॉलर छोड़ जाऊंगा क्रेडिट कार्ड छोड़ जाऊंगा ये छोड़ जाऊंगा वो छोड़ जाऊंगा बोलो हरि बोल और किसको पकड़ लूंगा बोलो हरि बोल किसको छोड़ जाऊंगा किसको पकड़ लूंगा बोलो हरि बोल बोलो हरि बोल बोलो हरि बोल कुर्सी वाले बोलो हरि बोल किसको छोड़ जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित को कह रहे आज का दिन गया तुम्हारा हरि बोल आज का दिन गया आज का दिन गया आज के 21,600 गए अब जीवन के 6 दिन रह गए। वैसे तो हर मनुष्य के 7 दिन होते 8 दिन होता ही नहीं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे द एंड ऑफ चैप्टर उसी दिन उन्हीं 7 दिनों में आप अपने अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाते हो जन्मदिन मनाते हो और हरि बोल भी उसी उन्हीं दिनों में होता है गरीब बोलो हरि बोल बोलो हरि बोल 8वां दिन आता है किसी का आया बोलो आया किसी का 8वां दिन किसी का जीवन में आता ही नहीं। तुलसीदास जी माने तो और आगे बढ़ गए तुलसीदास बाबा ने लिखा अपनी कवितावली में दोहावली में लिखा तुलसी संसार में देखी दृष्टि पसार 7 बार में 3 नहीं 7 बार में 3 नहीं मंगल बुध इतवार मंगल किसी की है ही नहीं इसीलिए पूजा में पूजा होती है ना कोई मरता भी है तो भी एक ही मंत्र पढ़ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पढ़ और किसी की शादी की पूजा होगी तो भी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गोड़े ध्वजा मंगलम गुड़ी का दोनों समय एक ही मंत्र पढ़ते बोलो हरि बोल बोलो हरि बोल दोनों में एक ही मंत्र पढ़ते इसका मंत्र ही नहीं है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गोड़े ध्वजा मंगलम गुड़ी का अक्षर मंगलाय तनो हरि। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं मंगल है ही नहीं। तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी ने किसी ने पूछा भाई ये क्यों बोल रहे मंगल मंगल तो केवल जो आप लोग छुपे पढ़ते ना रामायण की मंगल भवन या मंगल हारी द्रवो सुदर्शन वो दशरथ नहीं राम जी के पिताजी वो नहीं ये जो पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय वाला दशरथ है तो ये जो शरीर है
कर्मेंद्रिय पंच ज्ञान इसमें दशरथ द्रवाहु द्रवय द्रवित हो जाए, जिससे ठाकुर की भक्ति को अनुभव करने के लिए, ठाकुर के नाम का चिंतन करने के लिए, ठाकुर का स्मरण करने के लिए द्रवित हो जाए। द्रवाहु सो दशरथ अजीर, अजीर का आंगन, हृदय के आंगन में, हृदय के आंगन में ठाकुर जी आकर के आपको जागृत कर दे। अजर बिहार, बिहार करे, बिहारी नहीं, बाकी बिहारी वाले बिहारी नहीं, बिहार करे, अनुभव करे, आप गुड फीलिंग करें। जैसे पार्टी की गुड फीलिंग होती है ना, क्यों होती है ना, बोलो हरी बोल, होती है ना, पार्टी की गुड फीलिंग होती है ना, खुश खुद प्रसन्न हो जाते हैं। शादी में भी हुए हो गए, बोलो हरी बोल, गुड फीलिंग, गुड। ऐसे ठाकुर की कृपा की अनुभूति होना, ठाकुर की भक्ति की अनुभूति होना, ठाकुर के नामदान की अनुभूति होना, गुड फीलिंग। वो पंक्ति में यही है, तुलसीदास बाबा ने यही लिखा, दवाऊ सुदशरथ अजर बिहार, आपके हृदय के आंगन में, हृदय की इंद्रियां, चित्त प्राण बुद्धि प्रसन्न हो जाए, द्रवाऊ द्रवित हो जाए, अजर आंगन में विहार करें, ठाकुर जी विहार करें। और विहार में का अर्थ यह है कि प्रत्येक क्षण ठाकुर का चिंतन रहे। आप बोलेंगे महाराज आप तो बाबा हैं, आपका कोई रोने वाला नहीं है, हमारे बड़े रोने वाले बैठे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग मारा लेके माल्ला माल्ला करते रहो, अब हम तुम्हारी तो बहुत टेंशन है, यही कहोगे ना महाराज, आप यहां से कहीं और कहीं गए, वहां से और कहीं गए, आपको खिलाने वाले बहुत बैठे, हमारे तो टेंशन टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेस है। अरे बोलो बोलो, ठीक बोलोगे ना, मैंने ये नहीं कहा सब साधु बन जाओ ना, सब भगत बन जाओ, नहीं, ना भगत बनने की जरूरत है आपको, ना साधु बनने की जरूरत है, केवल शरीर आप घर की घर के साथ संबंधित रखिए, पति पत्नी भाई बंधु बेटा भाई सब सबके साथ संबंध जुड़ा रहे, एंजॉय करो, साथ में दिल को ठाकुर के साथ जोड़ो, हृदय को अपने मन को ठाकुर के साथ जोड़ दो, मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्तु, भगवान खुद कह रहे हैं 18वें अध्याय कर 56 नंबर श्लोक में कहते मन मना भव मत भक्तो, मेरे मन मना भव। अर्जुन को कहते हैं भाई तू द्रौपदी का रहेगा, उत्तरा का रहेगा, कुंती का रहेगा, किसी का भी रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम जिसके हो वैसे रहो और जिसके साथ जैसा व्यवहार करते करो, पर हृदय हृदय को मेरे साथ जोड़ दो, मन मना भव, भवरूपी सागर से तार होना है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद प्राप्त करना चाहते हो, सुख प्राप्त करना चाहते हो, सब कहते हैं कोई तेर, कोई किसी का तेरवा होता है ना, तो पंडित जी जब मंत्र पढ़ते ना, इसकी आत्मा को शांति, क्यों जीते जी क्यों नहीं कहते, अभी कहो मेरी आत्मा को शांति मिले, बोलो बोलो बाबा जी 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 दो, जीते जी कोई कहते हैं मेरी आत्मा को तेरवे में कहते हैं सब, चाहे कोई हो, अमेरिकन हो, चाहे मैं यहाँ पर वाशिंगटन में कोई एक, एक बनारस के थे प्रोफेसर, हमारे भगत थे वहां पर, जब उन्होंने वहां PhD तो हम भी वहां पर पढ़ रहे थे, आचार्य कर रहे थे, वो यहाँ पर शादी हो गई उनकी कोई, तो उनका देहावसान हो गया, तो उनकी पत्नी का फोन आया पंडित जी को, जामा ठहरा हुआ था वहां आया फोन वाशिंगटन में, तो बोले महाराज वो गुजर गए तो आप शांति पाठ के लिए आओ, मैंने कहा वो भी मानती है हाँ महाराज, तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब जब तेरहवें में या चौथे में शांति पाठ करना जीते नहीं कर रहा ना, पहले खुद ही कर, बोलो हरि बोल, शांति का अर्थ आनंद की अनुभूति होना,
मैंने पहले दिन भी कहा था, गुरु नानक देव जी महाराज अरदास में कहते आनंद सुनो वड़ भाग्यो, जिसे वेद का मंत्र कहता है आनंदम ब्रह्मो विद्वान न भेद कुतर चला, मेरे कन्हैया का नाम आनंद है। क्या है? कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, वो तो हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से, कृष्ण प्यारे से, गोविंद प्यारे से, कृष्ण प्यारे से, कृष्ण प्यारे से, गोविंद प्यारे से, जिसका संबंध है वो तो हरदम आनंद ही। उसका तात्पर्य नहीं शरीर से नहीं, शरीर तो पत्नी का है, वो कहेगी मेरा अधिकार है, बेटा कहेगा मेरा अधिकार है, भाई कहेगा मेरा अधिकार है, इसकी संपत्ति पर मेरा अधिकार है, हर चीज पर सब कहेंगे, दोस्त कहेंगे हमारा नहीं। यहाँ तो शरीर से मतलब ही नहीं है, फिजिकल बॉडी संसार वालों की है, फिजिकल बॉडी संसार वालों की, मेंटल बॉडी और इंटरनल बॉडी जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच प्राण उन्तीस तत्व का, जो 19 तत्व का जिसके लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। अरे शांति की प्रार्थना किसके लिए करी? वो जो जिसको जला दिया उसके लिए। अरे हरि बोल, जिसको आपने 10 मन लकड़ी में जलाया पूरी साहब, हेलो जलाया ना मक्का मक्का, हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलना पड़ेगा, 10 मन लकड़ी में जिसको जला उसकी शांति क्या करो? इतनी भट्टी आग जल रही थी, वो गया ना उनके उसी के फुनन में गया, वो देखा मैंने भट्टी में वो 440 वाट के वो क्या नाम करंट चालू किया और 2 मिनट के अंदर मैंने हरी बोल बड़ा तेज मैंने वो घड़ी घड़ी तो गर्मी बाहर बहुत थी जहाँ वो था आश्चर्य। 2 साल पहले की बात, पिछले साल की बात, मैं रात बैठा हुआ आकर पाठ करने स्नान किया करके ऐसे ही गई थी तो गया तो मैं वही सोचता रहा, वो शरीर को जिसको एयर कंडीशन में रखते थे, जिसको एयर कंडीशन में रखते थे गर्मी लगती थी, जिसको एयर कंडीशन में उसको 440 वाट के जो वोल्टेज लगा होगा कितनी गर्मी लगी होगी। बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो डरते क्यों? हमारे साथ भी वही होने वाला है। हरि बोल, बोलो हरि बोल, कुर्सी वाले बोलो हरि बोल, हमारे साथ भी वही होने वाला है। शरीर के साथ तो वही होना है जो सबके साथ हुआ। बढ़िया बंगले में रहो, 20 बिलियन भगवान से प्रार्थना करते आपका 20 डॉलर का बंगला होना चाहिए और 20 डॉलर की गाड़ियां होनी चाहिए आपके पास और क्रेडिट कार्ड होने चाहिए इतने के 50 डॉलर के क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। सब कुछ होए पर आत्मा की शांति तो केवल मेरे कन्हैया के नाम से ही है। प्रहलाद जी महाराज यही कहते महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वहां पर उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, सारे लाइन लगा करते करोड़ देवता यहाँ खड़े हैं स्तुति कर रहे हैं, वो मांगते हैं मांगते मांगते थक जाते हैं और तुम बोलता कुछ नहीं, बोलते महाराज आपके पास कुछ है ही नहीं, जब गोदी में मैं गोदी में आ गया तो सारी संपत्ति का मालिक तो मैं बन गया, आप कुछ नहीं कम ले आओ जी महाराज, कहते महाराज आपके पास कुछ नहीं है महाराज, बोलते हाँ मेरे पास एक है आपके नाम की भक्ति है, आपके नाम की भक्ति है और आप खुद कहते हो मैं भक्ति भक्त, आपने खुद कहा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक जिनके पद बंदन की भवे भवे यथा भक्ति पादो, जो भक्ति करता मैं उसका उसके उसके कमंडलों को लेकर उसके पीछे नौकरी करता हूं। आपने कहा कि नहीं कहा भागवत में राजी महाराज कहते हैं आपने कहा कि नहीं कहा भवे भवे यथा भक्ति, आप कमंडलों के चलते ना चलते ना पीछे बताओ आश्चर्य उत्तर क्या है उसको, भगवान मुख देखते हैं महाराज प्रहलाद जी महाराज का, इसके प्रश्न का उत्तर नहीं मेरे पास, सब शंकरा
आदि देवता खड़े होकर देख रहे हैं कि भगवान की बोलती बंद कर दी है। जैसे आपका बेटा अपनी बोलती बंद कर देता है, बोलो हरि बोल, हरी होगी ना आपकी, बोलो बोलो हरि बोल। अरे कुर्सी वाले बोलो माताओं, तुम्हारी बोलती तुम्हारे बेटे ने बंद की नहीं बंद की, बोलो हरि बोल, बोलो कुर्सी वाले बोलो बंद की नहीं। ऐसे प्रहलाद जी महाराज कहते मैं आपका बेटा हूँ। एक मैंने कहा गुरुनानक देव जी का एक पिता एक कस्यप बालक, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख कनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंतर, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सकल सामग्री तुम्हारी सुंदर धारी, तुम ते होए सौभाग्यकारी, तुम्हारी कृपा तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। गुरु नानक कहे वहां पर प्रहलाद जी महाराज कहते महाराज मैं आपका बालक हूं, आपकी आपने गोदी ले लिया, सारी संपत्ति का मालिक मैं, ये देवी देवता मेरे सब चेले। हाँ बेटा तेरा ही सब कुछ है, मैं भी तेरा दास हूं। बोलते तूने इतनी भक्ति की, तू मैं तेरा कर्जदार हो गया। भगवान कहते मैं तेरा कर्जदार हो गया। जब भगवान ने ऐसा कहा, प्रहलाद जी महाराज ने गले ऐसे लगा करके, पहले भगवान चुम रहे थे, अब प्रहलाद जी महाराज ने दोनों हाथ से गले दोनों हाथ खड़े किए। अब बालक छोटे छोटे ही हाथ थे ना, छोटे हाथ थे, भगवान जो प्रहलाद जी महाराज ने हाथ खड़ा किया और गले लगाने के लिए चूमने लगे, बड़े बड़े बाल थे तो मुख में आने लगे, तो प्रहलाद जी महाराज बोलते महाराज क्या करूं, मैं आपका प्यार पाना चाहता हूं, ये बाल आकर के बीच में व्यवधान डालते। भगवान ने कहा आज तक बड़े बड़े देवता स्तुति करते रहे, ध्यान लगाते रहे, अर्चना करते रहे, तपस्या करते रहे, नहीं बात मन प्रभु रयम निजराभ पूर्णो। श्लोक आता है सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय में आता है। भगवान से कहते प्रभु आपको भी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए महाराज। हाँ आप दियो भक्तों को दो, ब्रह्मा देवता को दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं बात मन प्रभु रेम, हे ठाकुर मेरे आत्मा राम रूप से आप है। नहीं बात मन प्रभु रेम, निजराभ पूर्णो, आप पूर्ण हो तो मैं भी पूर्ण हूं, क्योंकि आपके अटैचमेंट के कारण मैं भी पूर्ण हो गया। पूर्णस्य पूर्णमादाय, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात्, और गुरु नानक कहते हैं उस बात आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वरा। गुरु नानक कहते हैं आप आदि में पूर्ण थे, पूर्णमदा वेद का मंत्र है, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमदच्य सवरे, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर परम ईश्वर। परम का मतलब होता है नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, एक तो प्यारा होता है जिसे आई लव यू कहते हैं, बोलो आई लव यू, आपने कई बार कहा आई लव यू, बोलो बोलो बोलो, डरते क्यों, बोलो डरो मत, कभी शर्माओ मत, कई बार कहा हो, कुर्सी वाले बोलो आई लव यू, बोलो मैंने आपसे कहा था लव का अर्थ ये नहीं होता प्यार करना, प्यार शब्द उर्दू का है, हमारे यहां प्रेम शब्द है, प्रेम का शब्द का अर्थ ये है, प्र मतलब प्रभु ही जिसका एम है, ठाकुर कन्हैया ही एम है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है वो तो हरदम आनंद है। इसीलिए गुरु नानक को कहना पड़ा आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, गुरु नानक को कहना पड़ा मैंने क्या पाया सतगुरु, सतगुरु ये नहीं डाल कपड़े वाला नहीं, सतगुरु मेरा कन्हैया है, वसुदेव वसुदम देवम कंस जानू रमतनम देवकी परमानंदम कृष्णम, ये तो वेद का मंत्र हुआ। आइए गुरु नानक कहते हैं गुरुवाणी में एक कृष्णम सर्वदेवा देवदेवात आत्मा, एक कृष्णम सर्वदेवा देवदेवात आत्मा, आत्मा वासुदेवस्य आत्मा, वास जो वास कह
करने वाला, कहां प्राणों में, श्वासों में, इंद्रियों में, बुद्धि में, किडनी में और बुद्धि में, चित्त में, आंखों में, आपके रोगों में। देखो आपका एक बाल टूट जाए तो क्या बन जाता है? बाल तोड़ बन जाता है। दर्द होता है आपको? बोलो हाँ, दर्द होता है। बोलो हरि बोल, बोलो बोलो, दर्द होता है। और एक पिन लग जाए तो क्यों? इतना बड़ा ढाई मन का शरीर, 80 किलो का शरीर, और एक पिन लगने से, एक कांटा लगने से, एक बाल, छोटा सा बाल जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं शरीर के अंदर, इस बाल बाल को यदि थोड़ा सा हाथ से जोर से मल दोगे तो दर्द होता है। इसका मत आत्मा नाम विराजमान है। बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल। जैसे सेकंड के बिना मिनट नहीं बनता, मिनट के बिना घंटा नहीं बनता, घंटे के बिना दिन नहीं बनता, दिन के बिना रात नहीं बनती, और रात के बिना वीक नहीं बनता, वीक के बिना साल नहीं बनता, साल के बिना आयु नहीं बनती, और आयु के बिना आप नहीं बनती। बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलना पड़ेगा हरि बोल। जो ना बोले हरि बोल उसका हरि बोल हो जाए। बोलो हरि बोल। राजी महाराज कहते हैं, महाराज भगवान नरसिंह भगवान से कहते हैं, नहीं बात मतलब प्रभु रे मिजदार पूर्ण, आपको भी कुछ नहीं, मेरे को भी कुछ नहीं महाराज। ये मांगते होंगे, ये देवता देवी देवता है भगवान शंकर, ये शंकर ब्रह्मा आदि देवता मांगते हो, मैं मांगने वाला नहीं हूं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते इस बात को, मांगना मांगने का। गुरु नानक देव जी महाराज यहां तक का जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। आप लोग आते ना चौकी पर तो अरदास करते हैं, वो 1 रुपए की अरदास मांगे शुभ जन। प्रहलाद जी महाराज कहते मुझको कुछ नहीं चाहिए महाराज, नहीं बात मन प्रभु ने मिजराब पूर्णो मानव जनाविश करणों में से। आपको रोज बोलते हैं आरती में, रोज क्या 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 थके महाराज, आपको रिझा जाग, तुम करुणा के सागर, तुम पालन पक्का पक्का श्योर, डर रहे हो कहने में, डर रहे हो। बोलो हरि बोल, डरो मत कहने में भाई, तुम करुणा के सागर। करुणा का होता है हे दीना बंधो करुणा सिंधो, हे दीना बंधो। सब बोले भगवान ने वाणी दी तो बोलना, जिसको वाणी नहीं दी मत बोले। हे दीना बंधो करुणा सिंधो, हे दीना बंधो करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया भगवान, पार 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 करो मोरी नैया भगवान, हे दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो करुणा सिंधु।
शरीर रूप में गया, इसमें जीवात्मा रूपी जीव बैठा हुआ है। इसी के लिए कहते हो तेरे में ना मंत्र पढ़ा जाता है, हृणवेण पात्रेण सत्यस्यापि तमकम तत्पूषण पावन पूषण ने कस्यम सूर्य प्रजापते तेजो रक्त रूपम कल्याण तत्ते पश्यामि यो वसा वसो पुरुषा सोमस्मि रैथिर प्रस्तांतो वायु जैसे निकलता है जैसे प्राणों को देता है ऐसे निकल करके मम तेजम भांस तस्मात तत्कम शरीरम। मंत्र में अंतिम में बढ़ते मारा वायु निकल गई, इसको भस्मान एक मुट्ठी राख बन गया। क्या बन गया? एक मुट्ठी राख ले जाते ना लोग घर द्वार ले जाते ना हरी बोल ले जाते ना हमारी वो आपकी भी जाएगी हरी बोल बोलो हरी बोल कहो मत जानी तो नहीं सोच लो जानी है। जब आप थोड़ा कुछ सोचते हो बंगले का सोचा तो हो गया, पत्नी का सोचा तो हो गया, बेटा हो गया तो हो गया, इसका भी सोच लो तो हरी बोल मोक्ष हो जाएगा। कैसे बोलते ना कि इसकी आत्मा को शांति मिले, किसकी आत्मा फोन आया था ईमेल आया ईमेल ईमेल के दुनिया में रहते ना आप लोग, ईमेल आया क्या मैसेज आया क्या बोलो हरी बोल क्या आया था जी हरी बोल क्यों प्रोफेसर साहब क्या आया था ईमेल हरी बोल मैसेज आया बोलो हरी बोल। प्रहलाद जी महाराज कह रहे महाराज श्रीधर स्वामी लिखते हैं प्रहलाद जी महाराज के सामने भगवान बोल नहीं पा रहे। श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं भगवान शंकर भगवान विष्णु भगवान नारायण सब वहां पर स्तुति कर रहे थे नारायण भगवान की, और जब प्रहलाद जी महाराज ने कहा नई बात मन प्रभु पूर्ण मानव जनाविश्य करणो वणीते यज्ञ जनो भगवते विनीत मानव। महाराज आपके भगत लोग मैं भी भगत इतना सा भगत हूं भगवान कहते भगवान से कहते हैं क्योंकि बेचारों के छोटे छोटे हाथ 5 वर्ष के कितने होते और फिर भी लाडला महाराज हिरण्यकश्यपु पूरे ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवताओं जिस जो सेवा करते थे उसकी उन और कुबेर आदि उसकी सेवा करते महाराज बड़े बड़े देवता। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मैं उस हिरण्यकश्यपु का पुत्र हूं मुझको आपसे कुछ नहीं चाहिए मैंने सब देखा सब कुछ देखा है लोग डॉलर देखे अमेरिका देखे कुछ देखे पर मेरे जैसा वैभव नहीं देखा शनि देवता तो मेरे पिताजी के कपड़े धोता था महाराज जो नवग्रह की पूजा करवाते ना महाराज और शनि देवता तो मेरे पिताजी के कपड़े धोता था महाराज प्रहलाद जी महाराज कहते महाराज मैंने देखा जिसके लोग थरथर कांपते शनि देवता से वो देवता और सूर्य भगवान और चंद्रमा भोजन बनाते थे देखा भोजन बनाते हुए पर मुझे केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहिए ठाकुर आपके नाम दान की भक्ति नई बात मन प्रभु ने हम निज लाभ पूर्ण मानव जना विनिशक करणो वणीते यज्ञ जनो भगवते विदधीत मानव। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मैंने केवल इतना ही सुना था नारद जी महाराज से कि जो जो ठाकुर से प्रार्थना करता है नाम दान मांगता है जो ठाकुर कन्हैया से जो राधा माधव से भक्ति मांगता है ठाकुर उसका ऋणी हो जाता है। बस केवल ये बात याद है और तो मैं बच्चा हूं बच्चा को बात याद नहीं रही मैंने केवल ये बात पकड़ ली ठाकुर को यदि अपना ऋणी बनाना है तो ठाकुर के श्री कृष्णा शरणम ममा ठाकुर के नाम का खूब जप करो। मैंने नारद जी महाराज की एक ही बात बांध ली नारद जी महाराज ने कहा था यज्ञ जनो भगवते विदधीत मानम ठाकुर उसका मान करता है कन्हैया उसका मान करता है त्रिलोकीनाथ उसका मान करता है नारायण उसका मान करते हैं। मैंने कहा और तो कुछ नहीं मैं अल्प बुद्धि हूं मैं बालक हूं मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं और तो कुछ नहीं कर सकता केवल विदधीत मानम तच्चात मने प्रतिमुखस्य धामकस्य ठाकुर लोग आपके दर्शन से दर्शन के लिए तरसते हैं आपने मेरे को गोदी में ले लिया आपने अपना बना लिया आपने आनंद कर लिया
गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते अन सुनो बड़ भाग्यो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म ब्रह्म पाया। पार ब्रह्म क्या? ब्रह्म सबके अंदर है क्या? पार ब्रह्म का अर्थ होता है जिसका वर्णन युवा ना कर पाए, वाणी ना कर पाए। तद्दैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु वेद का मंत्र कहता है, ऋग्वेद का मंत्र। तद्दैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदंतरस्य। जो श्वास के अंदर प्राण के रूप में श्वास के अंदर प्राण के रूप में जीवात्मा के रूप में अपनी ज्योति का प्रकाश दे। तन्तस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। आपने कभी 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 देखा जैसे लोग आजकल बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं ना, बड़े बड़े चलाते हैं। आपके अंदर ठाकुर जी कैसा कैसा रिसर्च करते हैं खोपड़ी के अंदर, इस बुद्धि के अंदर कितना बड़ा कंप्यूटर है। आपके बचपन जब मां के गर्भ से निकले कितने रूप आए इसके अंदर, कितने क्लिक किए आंखों से बचपन। वो मां के गर्भ से निकल करके जब 2 महीने के थे 4 महीने के थे कैसे क्लिक करके इस कंप्यूटर के अंदर आए। उसके बाद जब बच्चा खेलने लगे तो खिलौना के साथ कितने रूप आए क्लिक हो गए। और उस समय की खेलने की प्रवृत्तियां अलग, नया नया रिसर्च। और उसके बाद फिर पढ़ने का रिसर्च कितना हुआ, उसके बाद डिग्रियों का कितना रिसर्च हुआ, क्यों जी हुआ ना। उसके बाद परिवार का कितना रिसर्च हुआ, उसके बाद संसार का कितना रिसर्च हुआ, उसके बाद व्यवहार का कितना रिसर्च हुआ। राजी महाराज कहते हैं तच्चा नहीं ठाकुर जी कि जैसे शीशे के अंदर चेहरा देखा जाए और चेहरे को सुंदर बनाना है तो मतलब उसको अंदर शीशे वाले के अंदर चमकता इस चेहरे को पॉलिश करेंगे क्या बने फिशर क्या बोलते और जो भी आप लोग करते हैं आपको ज्यादा अनुभव। बोलो हरी बोल, बोलो हरी बोल। किया ना, कराया ना कभी? बोलते महाराज प्रहलाद जी महाराज बड़े घर के बच्चे हैं ना, पांच साल उनको सब पता है तो बड़े घर के। बोलते महाराज मैं फिशर करने तच्चात में वहां श्लोक है बोलो सुन सुन टीका लिखते तच्चात मने प्रसिमुकस्य यथामुकस्य मैं अपने आपका तेज आपका तेज जिस तेज के लिए इतने बड़े बड़े देवता खड़े हैं मैं वैसा तेज देखना चाहता हूं। शादी में जाते ना चमक चमक के जाते हैं, चमक चमक के जाते। बोलो हरी बोल, बढ़िया पूटे छूटे ढोकर के, क्यों नहीं चमक चमक के जाते। ऐसे प्रहलाद जी महाराज कहते दुनिया का ब्रह्मांड का अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नरसिंह भगवान जो मेरा कन्हैया है वो आज नरसिंह बन कर के तेजोमय रूप में आया है। मैं उससे एक ही मांगता, तुम्हारा जो तेज है, तुम्हारा जो आनंद है, तुम्हारी जो प्रसन्नता है, तुम्हारा जो शांति है वो मेरे अंदर प्रवेश कर। तच्चा मनि प्रतिमुखस्य यथामुखस्य। और ठाकुर जी से केवल एक ही मांग, और तो सब पीछे भी जाते, सब पीछे भी जाते। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया कृष्ण प्रीत दुनिया क्या जाने। मतलब पंजाबी की कहावत है दिल यारवन हथ कारवन, दिल यारवन हथ कारवन, क्योंकि दिल में ठाकुर रहता है, कन्हैया रहता है, कृष्ण रहता है। उसको कारण का डिब्बा मत बनाओ, अशुभ विचारों का डिब्बा मत बनाओ, अशुभ व्यवहार का डिब्बा मत बनाओ, हृदय को गार्बेज का डिब्बा मत बनाओ। उसको कन्हैया का रहने का स्थान है। इयम आत्मा वेद मंत्र कहता है इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास पदम गता। और आज शनिवार है, वेद का मंत्र है शनै शनै रूपर में बुद्धया हृदय की जय। अब
अभी आप गायत्री मंत्र पढ़ते ना, मैं उसमें उसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् धियो यो न प्रचोदयात्। आप लोग अंतिम में पढ़ धियो यो न, धी पंजाबी में कहते बेटी को। गलत लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम अपनी अपनी बुद्धि को आपको अर्पित करते हैं, उसको तेजोमय बना देना। इसीलिए यहां पर कहा गया, वेद मंत्र कहता है शनै शनै रूपमेव बुद्धया धीति की दया। हे प्रभु, धीरे धीरे आपके मार्ग में चल करके आपके तेजोमय रूप से आपके नाम का नाम रूपी स्वरूप को हम स्मरण करके अपने जीवन में आनंद पा सके। आइए प्रभु के नाम का स्मरण करें। बोल हरे बोल हरे 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 बोल, बोल हरे बोल हरे 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 बोल। भगवान ने जिसको वाणी दी है जरूर बोलना, जिसको वाणी नहीं दी जिह्वा नहीं भी बोलने के लिए, होटल के जो रस लेने के लिए दी है वो मत बोलना, जिसको दी है भगवान ने वाणी जरूर बोलना। बोल हरी बोल हरी 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 बोल, आराधना की राधा रानी अपनी कृपा कर दो। राधा माधव गोविंद हो, राधा माधव गोविंद हो, राधा माधव गोविंद हो, राधा माधव गोविंद हो, उसका श्री शव है। यहां पर भजन का लिखते हैं, जो कन्हैया का नाम ना स्मरण करे उसका श्री शव है। कि जैसे किसी के शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो डेड बॉडी हो जाता है, ऐसी केशव माधव गोविंद गो, केशव माधव गोविंद गो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीता हरी बोल।
भगवान की, संत जन की, भक्त जन की, हरि हरि बोल।